आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। आर्मी चीफ ने कहा कि शहदा की फर्ज शनासी अजीम कुर्बानियों के तुफैल हम आज़ाद फजा में जिंदगी बसर कर रहे हैं। शहदा की कुर्बानियाँ और गाजियों की खिदमात हमारा कीमती असासा और सरमाया इफ्तिखार हैं। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में शहदा और गाजियों के एजाज में तकरीब तकसीम एजाजात से खिताब। कहा, पाक फौज बतौर इदारा अपने हर फर्द को और उसके लवाहिकीन को हमेशा याद रखता है। हमारा ये रिश्ता बतौर ख़ानदान काबिल फ़ख्र और फ़कीरुल मिसाल है। ISBR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 51 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 22 अफसरान और जवानों को तमगा वसालत से नवाजा, 2 जवानों को अक़वामे मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मेडल से नवाजा। अच्छा चलो मैं आपको पैक पर आज 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 वो चला जाएगा इस्लामाबाद कह रहे थे इस्लामाबाद भेजना है जी। मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता, उमर को एक मैसेज भेजा मैंने, मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बजा था और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है। ऑडियोस की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम कमीशन ने काम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन किसी जज के खिलाफ ना कोई कार्रवाई कर रहा है ना करेगा। जिनसे मुतालिक इंक्वायरी करना ही है उनमें 2 बड़ी उम्र की खवातीन भी शामिल हैं। अगर दरख्वास्त आई तो कमीशन कार्रवाई के लिए लाहौर भी जा सकता है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात मंजरेआम पर लाई जाएंगी। कमीशन सिर्फ हकायक का तायुन करेगा। ये कमीशन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं है, ना ही काउंसिल के दायरे इख्तियार में मुदाखलत होगी। हसास मामला सामने आने पर इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। 2 अफराद की ऑडियो में गुफ्तगू अगर किसी तीसरे फरीक के बारे में है तो वो कमीशन की कार्रवाई में शरीक हो सकता है। ऑडियो लीक्स की तस्दीक के लिए पंजाब फोरेंसिक एजेंसी से राबता किया जा सकता है। मजीद कार्रवाई 27 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौकफ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। जुडिशल कमीशन की तश्कील और उसके TORs के पीछे अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के सियासी मुहर्रिकात हैं। वफाकी हुकूमत से पूछा जाए उनकी नाक के नीचे कैसे ऑडियो लीक्स के जरिए बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी हुई, जुडिशल कमीशन का अदब करार दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट की फोन टैपिंग से मुतालिक फैसले के मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ऑडियो लीक्स की तहकीकात से पीछे नहीं हटेंगे, वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, ये इमरान खान की अपनी राय है कि इजाजत के बगैर कमीशन नहीं बन सकता। बेशक इमरान खान कमीशन चैलेंज करें, काबीना ने इसे तश्कील दिया है। ऑडियो लीक्स में बहुत अहम शख्सियात, जिम्मेदारान और अहदेदारान की गुफ्तगू है। अगर असल चेहरा आवाम के सामने आ जाए तो अच्छा होगा। तहकीकात को सबोताज करना सियासत में शफाफियत को रोकने के मुतरादिफ है। ऑडियो लीक्स तहकीकात का कदम नेक नियति के साथ उठाया गया है। वफाकी वज़ीरे कानून आज़म नज़ीर तार पहले ही कह चुके हैं कि ऑडियो चूंकि चीफ जस्टिस से मुतालिक है इसलिए कमीशन बनाने में उनसे राय नहीं ली गई। इमरान खान को कल नैब पेशी पर गिरफ्तारी का खदशा। कहते हैं 80% इम्कान है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान की दोबारा गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को हंगामा आरई ना करने की हिदायत। कहा कि कारकुनों ने हंगामा किया तो PDM को बयानिया मिलेगा। कारकुनों के हंगामे को हुकूमत क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल करेगी। इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने की हिदायत कर दी। बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं को पाकिस्तान आने से रोक दिया। कहा, जब तक पार्टी मामला ठीक नहीं होते आप वतन वापस ना आए। ये दावा भी किया कि तमाम सर्वेस बता रहे हैं कि PTI 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। कामयाबी की पेशगोईयां देखकर हुकूमत PTI को क्रश करना चाहती है। इमरान खान ने दावा किया कि पार्टी को खत्म करने के लिए खवातीन समेत 10,000 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मई को लाहौर में कायदे आजम के
घर को राख बना दिया गया। ये कोई पाकिस्तानी सोच नहीं हो सकती, ये कोई पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकता। ये दहशतगर्द और पाकिस्तान दुश्मन, ये उसका काम है। हमें ऐसे इकदाम करने होंगे कानून और आइन के दायरे में रहकर कि ताक़यामत दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो। 9 मई को दिलखराश वाक़यात हुए, कायद आज़म के घर को राख बना दिया गया, कोई पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुलज़िमान को करार वाकई सजा देने के अज़्म का इआदा। क्वेटा में खिताब करते हुए कहा कि 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन की तरह याद रखा जाएगा। दुश्मन 75 साल में वो काम न कर सका जो 9 मई को पूरे पाकिस्तान में हुआ। ऐसे इकदाम करना होंगे कि दोबारा इस तरह का वाकया ना हो। मैं तो कभी किसी जमात में गया नहीं, कभी मुझे देखा है पीटीआई में, मैं पीटीआई का मेंबर, मैं आज तक मेरा कोई ना तल्लक रहा है ना वास्ता रहा है। वेस्ट रीजन पंजाब का मैं सदर हूँ, पीटीआई का उससे मैं मुस्ताफी होता हूँ। गुजरात के चौधरी खानदान के अहम रुकन चौधरी वजाहत हुसैन ने पीटीआई और चौधरी परवेज इलाही से राहें जुदा कर लीं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा कि वो दोबारा मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो रहे हैं। ये भी कहा कि उम्मीद है बहुत जल्द खानदान दोबारा मुत्तहिद होकर सियासत करेगा। गुजरामाला से साबिक सूबाई वजीर सैयद सईदुल हसन ने भी पार्टी छोड़ दी। कहा 9 मई को अंदोहनाक वाकयात से उन्हें और उनके हल्के के अवाम को जहनी अजियत पहुँची। तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के नायब सदर फैजुल्ला कमोका ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद 19 हो गई। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी खानदान के अहम रुकन चौधरी परवेज इलाही रात गए खामोशी से घर से निकल गए। जराए के मुताबिक किसी को नहीं मालूम चौधरी परवेज इलाही कहाँ गए हैं। खानदानी जराए का दावा है कि उनसे गुज़श्ता रात से राबता नहीं हो रहा। गुज़श्ता शाम जब वज़ीर आज़म चौधरी शुजात के घर गए तो परवेज इलाही घर से चले गए थे। पंजाब में इंतखाबात कौमी असेंबली के साथ एक ही वक्त में होने चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी करे। वफाकी हुकूमत ने 14 मई को पंजाब के इंतखाबात कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौकफ अपनाया कि पंजाब में इंतखाबात पहले हुए तो कौमी असेंबली के इंतखाबात मुतासर होने का अंदेशा है, क्योंकि पंजाब के नतीजे से तयन होता है कि वफाक में हुकूमत कौन करेगा। दरख्वास्त में ये मौकफ भी अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के अख्तियार को गैर मुअस्सर कर दिया। श्रीनगर में G20 इजलास गैर कानूनी है, भारत G20 की सदारत का नाजायज फायदा उठा रहा है। वज़ीरे खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक मौके, आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान का लफ्ज कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के तनाजे का हिस्सा है, कश्मीर पर बामानी मुजाकरात के लिए साजगार हालात पैदा करना भारत की जिम्मेदारी है। भारत में एक ऐसी जमात हुक्मरान है जो फासिज्म और मजहबी जनूनियत पर यकीन रखती है। आजाद कश्मीर से मुतालिक भारत के जारहाना बयान दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान ने सब्र तहमुल का मुजाहरा किया, हम मजीद कोई तनाजा नहीं चाहते, वो जितनी चाय पीना चाहे पिला सकते हैं, अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास कराने में भारत को सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी का सामना, चीन के इनकार के बाद तुर्की के बाद सऊदी अरब और मिस्र की भी शिरकत मशकूक। श्रीनगर में G20 इजलास के खिलाफ आजाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, रैलियां। इस्लामाबाद में अक़वामे मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन के सामने मुजाहरा, मुजाहिरीन का UN करारदादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। कहा भारत ने G20 कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, अक़वामे मुत्तहिदा नोटिस ले। मुजफ्फराबाद में कड़ीपन चौक से आज़ादी चौक तक एहतजाजी रैली, भिम्बर में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई, रावला कोर्ट में रैली, ताजरों की हड़ताल। पाकिस्तान बार काउंसिल के ऐलान पर कराची की जिले अदालतों में हड़ताल, कराची सिटी कोर्ट समेत मातहत अदालतों में भी हड़ताल, बहावलपुर सरगोधा लोधरा में भी वकीलों की हड़ताल, आज़ाद कश्मीर में भी वकील आज अदालतों में पेश नहीं हुए।
शीरी मजारी की नजरबंदी खत्म करके रिहाई का हुक्म, लाहौर हाई कोर्ट के पेंडी बेंच का फैसला। अदालत ने करार दिया कि शीरी मजारी डिप्टी कमिश्नर को बयान हलफी दें कि वो आइंदा ऐसी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगी। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगु में शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी की इमरान खान पर फिर तनकीद, बोली इमरान खान को सिर्फ अपनी और अपनी बेगम की फिक्र है। उनकी वालिदा को एक हफ्ते में 3 बार गिरफ्तार किया गया। अफसोस है कि इमरान खान अपने कारकुनों और लीडरशिप को भूल गए। मालूम किया जाए अली मोहम्मद खान और मलिका बुखारी को रिहाई के बाद किसने गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, अदालत ने पुलिस का दोनों रहनुमाओं की दोबारा गिरफ्तारी से इजहार लाइल्मी। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मीडिया से गुफ्तगु में इमरान इस्माइल ने कहा कि पार्टी छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैयाज चौहान को रिहा करने का हुक्म, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील बुध तक तलब। सिंध हाई कोर्ट का MPO के तहत कराची से नज़रबंद शहरियों को शहर से बाहर ना ले जाने का हुक्म। मुल्क का सत्यानाश करके आप अदालतों पर ही एतराज करते हैं जो आपको रिलीफ देती हैं। सियासी बहस में ना उलझाएं, आपको जो करना है करें, आपकी दरख्वास्त नहीं सुनूंगा। लाहौर हाईकोर्ट की रावलपिंडी बेंच का तहरीक इंसाफ के वकील पर इजहार बरहमी। रिलीफ की सदा पर जज ने रिमार्क्स दिए कि आपके लोगों ने सरकारी इदारों पर हमले किए, किसी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा। जो जलाओ घेराव के मुकदमे में नामजद है, अदालत उसको कैसे रिलीफ दे। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि अदालत हमारे कारकुनों को रिलीफ दे रही है, न हमें सुन रही है। हुकूमत वाले सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। जना हाउस लाहौर पर हमले में मुलव्वस तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा की शनाख्त। कैंट का रिहायशी तहरीक इंसाफ वार्ड 2 का नायब सदर नुमान शाह हमले के दौरान शरपसंदों को आग लगाने पर उकसाता रहा। पाक फौज के खिलाफ नाजेबा जुबान भी इस्तेमाल की, एतराफी बयान सामने आ गया। कहा क़यादत के बहकावे में आकर ऐसा किया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगाने वाला मरकजी मुलजिम मूसा खान भी पकड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस 1951 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सैयद वली के खिलाफ पिशावर के थाना शर्की में मुकदमा दर्ज। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज बयानात, गालम गलोच की दफात शामिल। पुलिस ने मुलजिम को पाकिस्तान लाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। सोशल मीडिया पर शरंगेज बयानात पर यह किसी भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के खिलाफ पहला मुकदमा है। सरगोधा, चारसद्दा, बाजोड़, चागी, टंडो मोहम्मद खान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मई के वाकयात के खिलाफ पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, सरगोधा में लीगी कारकुनों की शहदा यादगार पर हाजिरी, शमें रोशन की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की शहदा यादगार पर पाक फौज के हक में नारे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी रजिस्टर्ड FIA ने तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक 2 मरहलों में 3,98,00,000 रुपए की मुंतकली हुई। रकम PTI अकाउंट इस्लामाबाद में मुंतकिल की गई। असद उमर ने दूसरी बार 9.8 मिलियन की रकम बैंक के अमले को दी। असद उमर बताएं कि उनके पास ये रकम कहाँ से और कैसे आई। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि ऑडियो लीक कमीशन का कयाम चैलेंज करना इमरान खान के डॉन और सिसिलियन माफिया होने की तस्दीक है। इमरान खान का खौफ बता रहा है कि उसके साजिशी और सहूलतकार बेनकाब होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने फितने और फसाद की सियासत को दफन करना कौमी जिम्मेदारी करार दे दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगु में कहा कि उनकी जमात के कायदीन भी गिरफ्तार हुए, लेकिन कभी दिफाई तंसीबात और GHQ पर हमले नहीं किए। 9 मई को चंद हजार के जत्थे ने जो किया वो 75 साल की तारीख में ख्वाहिशात के बावजूद पाकिस्तान के दुश्मन न कर सके।
कराची में बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों की हलफ बर्दारी जारी। पीटीआई के कई मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हलफ बर्दारी के लिए नहीं आए। कराची में बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों की हलफ बर्दारी जारी। तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया कि यूसी 5 एनएसए टाउन के चेयरमैन शाहिद अंसारी, वाइस चेयरमैन राव वसीम और जिला जनूबी के वाइस चेयरमैन अब्दुलरहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सखर, सांघर, सजावल, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स की हलफ बर्दारी। वज़ीर आला सिंध की मुबारकबाद, कहा उम्मीद है कि नौ मुंतखब नुमाइंदे अपने मुतालिका इलाकों की खिदमत करेंगे। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि पीटीआई को जिस रफ्तार से इख्तदार में लाया गया उसी रफ्तार से बिसात लपेटी जा रही है। पीटीआई से तहरीक वाले और इंसाफ वाले दोनों अलग हो रहे हैं। जो टिकट 1,20,00,000 में साकिब निसार ने किसी को दिया था अब डी वैल्यू हो गया है। इमरान न्याजी का नजरिया मक्कारी झूठ फरेब था, इनकलाब से कोई ताल्लुक न था। इमरान खान ने जमान पार्क मकान का 14,40,000 रुपए का लग्जरी टैक्स अदा नहीं किया, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नोटिस भिजवा दिया। महकमा एक्साइज पंजाब के मुताबिक टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 12 मई थी, फिर आज के लिए नोटिस भिजवाया गया था। टैक्स जमा ना कराया तो कानून के तहत एक और नोटिस जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस आमिर फारूक की चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस उमर अताब अली आसिफ अलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा से अलग अलग मुलाकातें की थी। इन मुलाकातों में जस्टिस आमिर फारूक शामिल नहीं थे। इंटरबैंक में $1.18 महंगा होकर 288 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में $4 महंगा होकर 305 रुपए का हो गया। शहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का फैसला। GHQ एयर और नेवल हेडक्वार्टर्स और दीगर मुतअद्दिद यादगार शहदा पर तकरीबात होंगी। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की यादगार शहदा पर सलामी दी जाएगी। शहदा के ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी और दुआओं का अहतमाम होगा। कराची में PIA तैयारा हादसे को 3 साल बीत गए, हादसे की तहकीकात मुकम्मल न हो सकी। हादसे में 97 अफराद जान बहक हुए थे। तर्जुमान PIA का कहना है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड तैयारा हादसे की तहकीकात कर रहा है।